हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लौकी ले ली है और आज बनाने वाले हैं लौकी से पकौड़ा। तो मैं इसको ऐसा छील लूँगी लौकी को, और इसको फिर छील के अच्छा बढ़िया पतला पतला काट लेंगे। इसको ऐसा छील लिया है, अब इसको ऐसे पीस में पतला पतला ऐसे काट लेंगे, ऐसे पीस काट लेंगे। और भी काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पतला पतला ऐसा काट लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे मसाले। तो थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे इसके ऊपर से, और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, और इसके ऊपर से डालेंगे हल्दी, मिर्ची, धनिया, फिर डालेंगे हरी धनिया, फिर हरी मिर्ची डालेंगे। उसके बाद डालेंगे इसके ऊपर से नमक, और ये कश्मीरी मिर्ची डालेंगे कलर के लिए, और इनको बढ़िया से कर देंगे मिक्स, और फिर इसको एक मिनट को रेस्ट पे छोड़ देंगे ऐसे। और फिर यहाँ लेंगे ये बेसन, और इसमें डालेंगे नमक और डालेंगे पानी, और इसका गाढ़ा घोल बना देंगे। तो फिर अब चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हम इस बैटर में इनको डालेंगे अच्छे से। इनको मसाला सेट हो गया है ये, तो इसको इसमें डालेंगे और इसको कवर करेंगे, कोटिंग कर देंगे मतलब, और इसमें ऐसे ऐसे कर करके एक एक करके ऐसे डालते जाएंगे। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों, और लौकी तो फायदा करती है, आप लोगों को पता ही है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके लौकी के बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट पकौड़ा बनेंगे। ये देखिए ऐसे डाल दिए, अब दोनों तरफ से अलग पलट करके इनको बढ़िया से सेक लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इनको अलग पलट करके सेक लिया ये दोनों तरफ से। देखिए ऐसे सेक गए हैं, बढ़िया से लाल हो गए हैं ब्राउन कलर के। तो अब इनको निकाल लेते हैं और प्लेटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्लेट लगा लेते हैं। ये लौकी के पकौड़ा बन के तैयार हैं। इनको ऐसे बढ़िया से रख देते हैं जमा के। ये देखिए प्लेट लग के तैयार है। आ जाइए, लौकी के पकौड़ा खा लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।